अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज आपकी फिजिक्स प्रैक्टिकल की क्लास। लास्ट टाइम मैंने आपको दो वीडियोस सेंड की थी जिसके अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन थी, एपरेटस की भी एक्सप्लेनेशन थी, इंट्रोडक्शन भी था उसके अंदर। और आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उसको मैंने एग्जैक्टली पूरा जो एपरेटस आपका यूज होता है उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था उसके अंदर, तो यकीनन आपने वो वीडियो देखी होगी। अच्छा, मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है अभी? यस सर। चलो गुड। अच्छा, इस दफा जो है वो मैंने एक प्लान किया हुआ है आपके लिए कि क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में हमारी क्लासेस सारी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और इस दफा जो मैंने प्लान किया हुआ है आपके लिए, मैंने जो बुकलेट है, यकीनन वो बुकलेट आप तक तो नहीं पहुंची होगी क्योंकि आपके लिए हमने लैब मैनुअल अरेंज करवा दिया है। जब आप स्कूल के अंदर आएंगे तो फर्स्ट प्रैक्टिकल के लिए आपको बुकलेट अवेलेबल होगी आपके पास, ठीक है। तो फर्स्ट बुक जो बुकलेट के अंदर जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो हमारा सिंपल पेंडुलम जो बुकलेट के हिसाब से है। लेकिन मैंने एक काम किया है कि उस प्रैक्टिकल को जो है वो मैंने जो सेकंड अब जो वीडियो मैंने थर्ड बनाई है उसमें ये है कि वो एपरेटस एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसका एक स्टेप बाय स्टेप भी है कि उसके अंदर जिस तरह से आपको मैं एक काम करूंगा कि आपको लैब मैनुअल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको एडिट करके भेज दूंगा ताकि आप उसको रीड भी करें। रीड करने के बाद आपको ये फायदा होगा कि उसके बाद आप उस वीडियो को जब आप देखोगे तो उस वीडियोस के अंदर आपको थोड़ा सा रेफरेंस समझ आएगा, वरना क्योंकि आपके पास जब पेपर नहीं होगा तो आप कैसे उसको क्लियरली समझ पाओगे। तो मैं वीडियो के अंदर तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ उस प्रैक्टिकल को कि स्टेप बाय स्टेप, लेकिन मैं उसके एक या दो स्टेप आपको भेजूंगा ताकि आपको भी थोड़ा सा उसमें आइडिया हो कि ऑसिलेशन किस तरह से करते हैं, एपरेटस को किस तरह से यूज करते हैं, मेजरमेंट किस तरह करते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको एक चीज क्लियरली बता दी थी कि आपके स्टार्टिंग के जितने भी प्रैक्टिकल होंगे वो सारे क्वेश्चन वन होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन वन का यही सीन होता है कि क्वेश्चन वन के अंदर ग्राफ से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल होते हैं, तो ग्राफ से रिलेटेड अगर आपके पास प्रैक्टिकल होंगे तो आपको रीडिंग जो है वो मैक्सिमम 5 लेनी हो, 6 लेनी हो, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी रीडिंग 6 पे जाती है, ठीक है, क्वेश्चन वन के अंदर मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन वन जितने भी होते हैं वो ग्राफ से रिलेटेड होंगे। तो वो प्रैक्टिकल जो अब जो मैं नेक्स्ट आपको थर्ड वीडियो भेजने जाऊंगा तो वो उसके अंदर आपके पास के वीडियो के अंदर पूरे रीडिंग्स की एक्सप्लेनेशन होगी, किस तरह से रीडिंग्स को डिवाइड करेंगे, किस तरह से लेंथ, क्योंकि आप एक याद कर लें, एक चीज याद कर लें, जो भी प्रैक्टिकल आप क्वेश्चन वन करोगे किसी ना किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सारा प्रैक्टिकल अप्लाई होता है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन वन है, जो क्वेश्चन वन है उसके अंदर आपके पास जो अप्लाई हो रहा है ना जो प्रैक्टिकल, वो लेंथ के ऊपर हो रहा है। आपके पास लेंथ जो है वो तकरीबन जो पेंडुलम की रखनी होगी वो 80 सेंटीमीटर रखनी होगी, इट मींस 0.800 मीटर, ठीक है। वो 80 सेंटीमीटर टोटल लेंथ रखने के बाद आपको उसको सिक्स रीडिंग के अंदर डिवाइड करना होगा कि भाई इसको सिक्स रीडिंग के अंदर किस तरह से डिवाइड करें, तो उसका फॉर्मूला भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसके अंदर कि उसको सिक्स रीडिंग में किस तरह से डिवाइड करेंगे। क्योंकि आपके बुकलेट के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर उन्होंने रेंज दे दी है कि आपकी जो लेंथ है
वो 0.1 से 0.8 है, टोटल लेंथ जो है वो 80 सेंटीमीटर है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपनी रीडिंग्स को जो है वो 10 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बिटवीन ही रखें, लाइक 0.1 से 0.800 मीटर के बिटवीन रखें। तो वो आपको 0.1 से 0.8 के बीच में 6 रीडिंग को किस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होंगी। मैं सिर्फ इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ, उसको दोबारा से आपके लिए उसके ऊपर हम इसीलिए जो है ना वो लाइट कर रहे हैं, ताकि आपको जब आप वीडियो देखें तो उस वक्त ये कन्फ्यूजन आपको ना हो कि ये चीज़ें तो हमने देखी नहीं, ये तो हमें बताया नहीं कि इसमें इस तरह से क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये आपके प्रैक्टिकल में जब आप परफॉर्म करने आओगे तो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट देगी ये वीडियो। ठीक है, समझ लें कि ये वो वीडियोज़ हैं जो बच्चे आगे परफॉर्म करते हैं और हम उनको एक्सप्लेन कर चुके होते हैं बोर्ड के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें आपके पास एक्सप्लेनेशन होंगी, आप इसको वॉच कर चुके होंगे तो आपको इसमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा कि आप जैसे ही स्कूल के अंदर आओगे, कॉलेज के अंदर आओगे, वेज कॉलेज, तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकोगे और आपको ये ज़बरदस्त रेफरेंस मिल जाएगा यहाँ से। तो बहरहाल मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर है, जो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर है, वो भी मैं आपको एडिट करके व्हाट्सअप कर दूंगा आपके ग्रुप के अंदर, ताकि आप उसको रीड कर लें। जब उसको आप रीड कर लेंगे तो वो प्रैक्टिकल जो है वो आपको मैं समझता हूँ कि सपोर्ट जैसे दे जाएगा कि आप वहाँ से रीड कर लें, और जो मैं वीडियो बनाऊंगा आप वीडियो से देख लीजिएगा किस तरह से हम उसके ऑब्जर्वेशन टेबल स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो बनाई है। सबसे पहले ए फर्स्ट रीडिंग का टाइम रिकॉर्ड करेंगे ऑसिलेशन करने के बाद, उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद मैंने आपसे कहा था कि आपके ऑब्जर्वेशन टेबल में ज़्यादा मार्क्स होते हैं, दूसरे पार्ट्स से रिलेटेड कम होते हैं, बट ऑब्जर्वेशन टेबल के मार्क्स में वो सबसे ज़्यादा होते हैं, 10 to 11 होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में टोटल जो रीडिंग के मार्क्स हैं वो 5 हैं, 5 मार्क्स होते हैं रीडिंग्स के, इसके अलावा 5 to 6 मार्क्स जो है वो उनके स्किल्स के होते हैं, लाइक यूनिट्स, डेसिमल प्लेसेस, सिग्निफिकेंट, हाउ टू कवर द रेंज ऑफ प्रैक्टिकल विद इन 6 सेट्स, ये सारी चीज़ें आपको जो है उसके अंदर हर एक चीज़ को जो है वो अपडेट करना होता है, तो आप तब जाके जो है वो 11 से 10 to 11 मार्क्स गेन करते हो। तो उसके अंदर आपको एक एक चीज़ में यूनिट्स है, सिग्निफिकेंट है, ये सारा एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है आपकी फर्स्ट दो वीडियोज हैं, एक में अच्छा फर्स्ट वीडियो के अंदर क्या होगा कि आपको मैं एपरेटस एक्सप्लेन कर दूंगा, आपका क्वेश्चन वन के अंदर एपरेटस क्या क्या होगा, स्टॉप वॉच है तो उसमें डेसिमल कितने दे रहा है, जीरो कितने दे रहा है, ठीक है, स्टॉप वॉच आपके पास कैटिगा की है, कौन सी है, डिजिटल होती तो डिजिटल ही है लेकिन दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है, उसमें किसी में बटन जो है वो साइड पे दिए होते हैं, किसी में दोनों साइड से, जैसे स्पोर्ट्स में यूज होती है तो वो स्टॉप वॉच जो है वो हम बेस कॉलेज में यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मीटर रूल, पेंडुलम विथ थ्रेड, आपके पास इसके अलावा वुडन ब्लॉक हैं, स्टैंड है जिसमें आप वुडन ब्लॉक को फिक्स करके पेंडुलम को हैंग करोगे, ये सारी चीज़ें उसके अंदर फर्स्ट वीडियो में होगी। सेकंड वीडियो में परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगी। अब वो परफॉर्मेंस जहाँ तक पहुँचती है उसके बाद का जो स्टेप होगा, क्योंकि अभी मैं क्या करूँगा ये आप अपने पास रिकॉर्ड में रखें, अभी जो है वो मैं सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन टेबल किस तरह से बनेगा, उसकी रीडिंग्स किस तरह से आएंगी, यहाँ तक मैं ओवर करूँगा। फिर उसके बाद आपको अगर सपोर्ट के लिए चाहिए तो फिर उसके बाद मैं ग्राफ की जो वीडियो है वो मैं अलग भेजूंगा कि किस तरह से ग्राफ बनेगा या ग्राफ के मार्क्स किस तरह से होंगे, क्योंकि अभी जो एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ एपरेटस प्रैक्टिकल की एक्सप्लेनेशन है कि ऑब्जर्वेशन टेबल किस तरह से बनेगा, रीडिंग्स किस तरह से आएंगी, कवरिंग किस तरह से होगी, ठीक है। उसके बाद ग्राफ किस तरह से बनेगा उसका एक एक मार्क आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ग्रेडियंट, बाय इंटरसेप्ट, उसके बाद फाइनल इक्वेशन जो आपके पास होती है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन वन के अंदर इक्वेशन जो है वो स्टार्टिंग में दी हुई है, जबकि जो स्टैंडर्ड पेपर होता है प्रैक्टिकल का, कैम्ब्रिज का, उसमें इक्वेशन सबसे लास्ट में होती है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास एक एक स्टेप जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक एक मार्क्स कहाँ पे आप गेन कर सकते हो, कहाँ पे आपसे मार्क्स लूज हो सकता है, ये एक एक चीज आपको अपडेट करके मैं एक्सप्लेन करूंगा उस वीडियो के अंदर, ठीक है। वो उस वीडियो के अंदर पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल एक्सप्लेनेशन होगी। फिर उसके बाद अगर आपको नीड होगी तो मैं आपको ग्राफ किस तरह से बनाना है, ग्राफ का फर्स्ट मार्क कहाँ होता है, सेकंड मार्क किस चीज़ का होता है, थर्ड किसका होता है, फोर्थ किसका होता है, तो ये चार ग्राफ के मार्क्स आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, वाई इंटरसेप्ट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उनका फॉर्मूलाज हैं, उसके बाद फाइनल आंसर्स के यूनिट्स, सिग्निफिकेंट, ये एक एक मार्क आपको पूरा उन 5 स्टेप्स की वीडियोज हैं उनमें एक्सप्लेनेशन होगी। लेकिन मैं आज आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेप की वीडियो आपको मैं लिंक भेज दूंगा, ताकि आप उन दो वीडियोस को देखें, ताकि पूरा मर्ज ना हो जाए आपके ऊपर, पूरा इतना ज़्यादा लोड ना हो, इतना बटन ना हो कि आपको एक भी चीज़ याद ना रहे। तो ये दो वीडियोस के लिए आपके लिए मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा, उसको आप देखिएगा। उससे रिलेटेड अगर किसी को क्रॉस क्वेश्चंस करने हो तो वो मुझे
बता भी सकते हैं कि इसके अंदर ऐसे कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो आपको साथ साथ जो है मैं आपको व्हाट्सअप भी कर दूंगा पेपर, ठीक है, क्वेश्चन वन का, और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा इसके अंदर के आपके पास के प्रैक्टिकल से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन टेबल का आइडिया हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ग्राफ है, ग्रेडियंट वाइंटेस है, इनको वीडियो को मैं पेंडिंग में डाल दूंगा। इसके बाद हमारे पास परफॉर्मेंस की भी वीडियो है कि क्वेश्चन वन को किस तरह से परफॉर्म करना होता है, वो वीडियो अगर आप स्कूल आ जाते हो तो उसकी फिर हमें नीड नहीं होगी, लेकिन उसका वो बच्चे जो लैब के अंदर भी पिक नहीं कर सकते उनको अगर उस वीडियो की नीड होगी तो वो हम उस वक्त उनको दे सकते हैं कि भाई आप इस वीडियो से भी रेफरेंस ले लो ताकि आपको लैब के अंदर थोड़ी सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। तो वो बात के काम है सारे, आज का काम सिर्फ आपके पास यही है कि आप वीडियो दो वीडियोस भेजेंगे हम, एक में एपरेटस के एक्सप्लेनेशन होगी क्या क्या एपरेटस आपके क्वेश्चन वन में यूज होता है, दूसरा क्या होगा कि आपके पास ऑब्जर्वेशन टेबल के मार्क्स किस तरह से आते हैं फर्स्ट से लेके 10 मार्क तक, क्योंकि ऑब्जर्वेशन टेबल के 10 मार्क्स हैं वो किस तरह से आप गेन करते हो, और उस 10 मार्क्स से पहले एक स्टेप होता है जो हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर एक स्टेप फर्स्ट रीडिंग अलग से भी एक रीडिंग आपको लेनी होती है तो उसके भी मार्क्स होंगे उसके अंदर, तो ये सारे स्टेप्स आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और बाकी मैं आपको पेपर भी अभी जो है वो आपके ग्रुप के अंदर मैं एडिट करके क्वेश्चन वन जो आपकी बुकलेट का है वो भी मैं आपको भेज दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको लैब मैनुअल जो आपके पास है वो भी मैं आपको जो हमारे पास है उसका उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि पूरी बुकलेट भी आपको जो है वो उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको भेज दें ताकि कभी भी आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप उससे आप रेफरेंस ले सकते हो। बहरहाल मैं क्वेश्चन वन के लिए जो है वो अभी आपको वीडियो भी सेंड कर दूंगा, फिर उसके अलावा आप अभी देखेंगे वीडियोस, ठीक है, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो 10 से लेके 11 तक है, तो 10 to 11 में यहीं पे जो है वो मीटिंग तो मैं ऑफ कर दूंगा, लेकिन आप उस वीडियो को देखने के बाद उससे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं जो चीज़ आपको प्रॉब्लम में आ जाए, ठीक है। तो एक काम ये कर लेते हैं कि हमारे पास जो है अच्छा स्टूडेंट ने पूछा है कि 1 मीटर का, मुझे ये समझ नहीं आया कि 1 मीटर का क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं कि 30 सेंटीमीटर 30.0.330 तो 1.000 मीटर, तो इसमें 000 आ जाता है मीटर के अंदर। जी किसी को कोई क्वेश्चन करना हो क्रॉस तो अभी पूछ सकते हैं, लेकिन उसके बाद में मीटिंग को एंड करूंगा, लेकिन आप जो है वो आप वीडियोस देखने के बाद मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपको कोई चीज प्रॉब्लम में आए या ऐसी कोई चीज जो आपको समझ ना आए। जी और अभी किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो रिगार्डिंग कर सकते हैं प्लीज। अभी किसी को अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करना हो प्लीज तो कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद मैं ये करूंगा कि आपको वीडियो पे डायरेक्ट जाना होगा, मैं ग्रुप में अभी वीडियो सेंड कर दूंगा और आपको पेपर भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप उस वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से वीडियोस को, क्योंकि वीडियो एक जो है वो 3 से 4 मिनट की है और एक वीडियो जो है वो तकरीबन 18 to 19 मिनट्स की है, तो तकरीबन आपके 20 से 25 मिनट यूटिलाइज होंगे उन वीडियोज को देखने के लिए। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि मीटिंग हमारी क्लास जो है 10 to 11 है तो आधे घंटे तक जो है वो आप वीडियोस को देखते रहे। स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट अभी मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैं हमारी बुकलेट का जो क्वेश्चन वन है वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन को जरा आप जरा रीड करें, ठीक है, उसको रीड करें, उसके बाद वीडियोस को देखिएगा तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा उसके अंदर
एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी मैं मीटिंग को ओवर कर रहा हूँ और मैं आपको वीडियोस भेज रहा हूँ, लेकिन इसके साथ मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी भेज रहा हूँ ताकि आप उसको रीड भी कर सकें। तो उसमें जो जो रिटर्न में होगा तो वही चीज़ें आपको परफॉर्मेंस के अंदर सपोर्ट देंगी। तो आज के वीडियोज के अंदर एक्सप्लेनेशन ऑफ एपरेटस प्लस हाउ टू मेक ऑब्जर्वेशन टेबल और एक फर्स्ट से लेकर 10 मार्क्स तक एक एक मार्क्स के अंदर एक्सप्लेनेशन होगी इन ऑब्जर्वेशन टेबल, तो जरा उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मैं मीटिंग को अभी ओवर कर रहा हूँ और आप ऑब्जर्वेशन टेबल और ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको आज रेफरेंस के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर ज्यादा नीड होगी वीडियोस की तो मैं आपको ग्राफ बनाने की वीडियो भी बाद में भेज दूंगा एक दो दिन के अंदर। ठीक है, एक दो दिन के अंदर इक्वेशन या ग्रेडिएंट की भी भेज दूंगा तो आपको उसमें ज्यादा रिलीफ जो है वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, तो अभी मैं मीटिंग को ओवर कर रहा हूँ, आप वीडियोज देखें, क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको जो है वो ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पेपर रीड करने के बाद वीडियोस पे जाइएगा, अदरवाइज वरना आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप जरा जाइए, मैं आपको अभी क्वेश्चन पेपर भेज रहा हूँ और वीडियोस भी भेज रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।